कैसे हो सारे? ऑल गुड यार। माय वीडियो इज आउट, व्लॉग इज आउट। एक बार बताता हूँ क्या हुआ था भाई मेरे साथ। ये देखो भाई कैसा होता है डेक यार। केंजो चला गया, केंजो देख चला गया। ओ भाई गुल मिल गया। तुषार भाई फिर से शॉपिंग कर रहे हो भाई। यहाँ का चनम कितना बढ़िया है भाई, कितनी अच्छी लग रही है भाई। ये हमने ऐसे चक्कर मार रहे थे, हमने सोचा कुछ सेल पे हो तो खा लेंगे। भाई ये मेलबर्न का है, दोनों साइड में है। मेलबर्न का H&M ऐसे ही है, कभी खरीदा ही नहीं है। मतलब सच्ची बता रहा हूँ, इंडिया में तो बड़ा पहना है H&M सारा। कितनी बढ़िया है भाई, बढ़िया सी लग रही है मेरे को तो। मस्त पहनू अब तो व्लॉग में, बैक टू बैक उतरेगी नहीं अभी। भाई अभी हम लोग घर आ गए। मैं आप लोगों को घर कुछ वीडियोस पहले दिखाया था, अभी दिखा नहीं सकता, थोड़ा गंदा सा है। पिछले वाले व्लॉग देख लो, एडलैंड में ही हम लोग एयरबीएनबी हम लोगों ने लिया हुआ है। तो आप लोगों को दिखा दो, बहुत ट्रैफिक है भाई। हम लोग घर पे आगे नीचे वॉक करके, हमारा बिल्कुल साइड में ही घर था। अभी और दिखाऊंगा, टेंशन मत करो। यहाँ से देखो, और भाई वो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी पूरी रोड जाम है। और भाई साहब पीछे तक, पीछे तो देखो अभी AFL है भाई आज, ऑस्ट्रेलिया फुटी। तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई, इतनी ज़्यादा कहाँ से जाएं गाड़ी लेके। देखो कितना ट्रैफिक है भाई। भाई अभी हम लोग निकल गए हैं मीटअप के लिए। मीटअप डाला था इंस्टाग्राम पे, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता लग गया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर डिले हो गया। आउटफिट ऑफ द डे OOTD, वेरी नाइस भाई। बहुत बुरा ट्रैफिक हो रखा है बाहर। AFL है हमारे, यहीं से चलते हैं। AFL है तो बहुत बुरा ट्रैफिक हो रखा है बाहर। तो सॉरी गाइस अगर मैं थोड़ा सा लेट आऊँ तो, 6 बजे का टाइम था, शायद 6:15 हो सकते हैं, बट पता नहीं, देखते हैं कैसा रहता है। देखो पार्किंग में ही ट्रैफिक हो रहा है। चलो तो भैया आगे से हम लोग एडलेड में मीटअप वाली लोकेशन डाली थी ना, थोड़ा 5-10-15 मिनट में लेट हो गया, तो किसी भाई को शायद बुरा नहीं लगा। और ये हम लोग मिल रहे हैं सारे भाइयों से। हेलो भाई, कैसे हो सारे? ऑल गुड। बाजी ज़्यादा एक्साइटेड है, सबसे ज़्यादा बाजी एक्साइटेड। हेलो हेलो भाई, कैसे हो? कैसे हो भाई जी? बस भाई, आप लोग सारे पढ़ाई कर रहे हो, अलग अलग वीज़ास पे हो? ओके, अभी मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ। नहीं थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई थैंक यू सब लोगों को जो भी लोग मीटअप पर आए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, एक सेकंड हवा बढ़ा लूँ, गर्मी कर लूँ, गाड़ी में ठंड हो रही है भाई। जो लोग कहते हैं ना एडलेड मेलबर्न से ज़्यादा ठंडा है, नहीं जो लोग कहते हैं ना मेलबर्न में ज़्यादा ठंडा है एडलेड से, भाई एडलेड में पहले ठंड शुरू हो गई, ठीक है, मेलबर्न से भी। तो सीन में क्या कह रहा था कि हाँ, काफ़ी सारा थैंक यू भाई सब लोगों का जो भी आए मीटअप पर, ठीक है। मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे, ठीक है। टोटल 10-12 लोग थे, और काफ़ी सारे लोग मेरे को नीचे भी मिले सिटी में जब भी मैं घूमने के लिए निकला। प्लस जब भी मैं मेलबर्न में भी होता हूँ या कहीं पर भी, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो भाई दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि भाई मैं 1% भी कभी मेरे फॉलोअर्स होंगे ज़्यादा, या फिर कभी हम ऐसे हो जाएंगे कि लोग हमको मिल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कर देंगे ज़िंदगी के अंदर कि लोग हमको मिल रहे हैं और हमारी वजह से काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो रही है नोइंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड और भी जो भी वैल्यूएबल चीज़ें आप लोगों को समझ आती है मेरी वीडियो में से। वो ये सारी चीज़ें भाई मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऑनेस्टली मैंने भाई कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होएगा कभी ज़िंदगी के अंदर। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2017 में विद नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग इवन कि 500 भी सब्सक्राइबर भाई कभी होंगे। मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों को, मेरे को ये था कि मेरे सब सब्सक्राइबर थे ना 2 साल तक 250 कुछ थे, ठीक है। उसमें से 150 को तो मैं फेसबुक पे ही भेज देता था, मतलब जैसे वीडियोस नहीं बोलते थे ये वाली वीडियो देखो जाके, लिंक इज हियर, माय वीडियो इज आउट, व्लॉग इज आउट, ऐसे पहले बहुत ज़्यादा किया है भाई, ठीक है। मेरे को सारा टाइम याद है 2017 में, बहुत करीबन स्टार्ट किया था नवंबर में, और रोज हो के 6 महीने में 6 वीडियोज़ गई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डालता गया। 2017 से आज 2024 हो गया। तो हाँ भाई आप सब लोगों का थैंक यू बहुत ज़्यादा दिल से। काफ़ी सारे भाई अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी सारे ऐसे टाइम आए भाई बिल्कुल ही ब्रेकडाउन हो गया था भाई लाइफ के अंदर, बट फिर भी खुशी से आप लोगों को चीज़ें दिखाई, नहीं क्या हमेशा से। अब तो भाई खैर डेली व्लॉग पर आ गए हैं, वो भी भाई रो धो के क्यों नहीं हो पाते थे कभी भी, क्योंकि मैं आप लोगों को सच बताऊँ
जो भी लोग मेरे को मिलते हैं ना यहाँ पर, वो खुद बोलते हैं तुषार भाई हम लोग आपके ब्लॉग इंडिया में ज़्यादा देख पाते थे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाई पढ़ाई जॉब नहीं है भाई, टाइम घर पे आओ, आपको जो बच्चा अभी 8 घंटे भी सो रहा है ना स्टूडेंट वीज़ा पे आ गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिंदगी जी रहा भाई, मौज काट रहा वो, ठीक है, मतलब भाई 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, अभी जब एडलेट वाले ब्लॉग ऑन एंड ऑफ हुए थे ना बीच बीच में, तब भाई लिटरली मैं एक रात तो सोया नहीं था, चला के आ गए थे गाड़ी, उसके बाद फिर मैंने कहा अगर आज नहीं सोया ना तो कल सुबह नहीं उठा जाएगा, फिर घूम नहीं पाएंगे, तो इसलिए भाई मेरे ब्लॉग ऑन एंड ऑफ हो गए थे बहुत ज़्यादा, और फिर एक दिन 4 घंटे सो रहे हैं ऐसे, प्लस जब स्टूडेंट वीज़ा पे भी थे, मतलब अभी भी स्टूडेंट वीज़ा पे है, बट जब स्टूडेंट थे तो ग्रेजुएशन मतलब आएगी, डिग्री ख़त्म होगी, तो कोई भी ऐसा दिन मतलब बहुत रेयर कि भाई 8 घंटे नींद मिल गई, अगर जब 5-5, 6-6 घंटे सोना शुरू करोगे ना तो भाई उससे ऊपर आप सो लिया ना ऐसा हो जाएगा यार कुछ ज़्यादा सो लिया आज, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, दिन ख़राब हो गया, ऐसे सीन हो जाता है भाई। तो मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जॉब्स और स्टूडेंट लाइफ और मेकिंग यूट्यूब वीडियोस वाज रियली टफ एंड इज रियली टफ, ठीक है, हद से ज़्यादा टफ। जो लोग भी भाई सोचते हैं हम लोग कर लेंगे मैनेज, तो सर भी हमने तो ब्लॉग बना के रखे हैं, हम तो एडिट नहीं कर पा रहे है ना भाई, सब भाई बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू भाई आप लोगों का, आप लोग ही वैसे अब एक ऐसा सा दिख रहा है अंदर से, ऐसा लग रहा है बनियान पहनी है अलग सी, आप लोगों की वजह से भाई बनाते रहा वीडियोस, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, हाँ काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, लास्ट 1-1.5 साल से मेरे को पता भाई चैनल कुछ खास ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा, नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग ज़िंदगी में आए, काफ़ी ज़्यादा लोग गए भाई ज़िंदगी से, बढ़िया अपना पॉजिटिविटी के साथ हम लोग रहेंगे, एंड जैसा भी होता रहेगा डेली ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाते रहेंगे, आप लोगों को भाई सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और जब भी ऐसे एक बार बताता हूँ क्या हुआ था भाई मेरे साथ, मेरा बर्थडे था, मैं और वानी गए थे कल्चर किंग्स का पीछे लेना वहाँ पे मेलबर्न के अंदर सिटी में, तो ऐसे कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा बट मैं ऑकवर्ड हो गया था, ठीक है, दो लड़कियाँ भाई दूर से ऐसे निकाल के कैमरा ऐसे जूम इन कर रही हैं, मतलब दिख रहा है हम लोगों को रिकॉर्ड कर रही है, पर ढीठ हाय नहीं बोला आके कि हाय हेलो कुछ, कि भाई दूर से ही रिकॉर्ड कर रही हैं ऐसे फोकस करके मेरे को दिख रहा है भाई, तो मतलब अच्छी बात है भाई, पर ऐसे ऐसे लड़के को छेड़ना नहीं भाई, कभी भाई आके हाय हेलो किया करो, ऐसे शर्माया मत करोगे, इसको तो हम जानते हैं, इसको तो देखा है, डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं भाई कोई टेंशन नहीं है, आप लोग ही वैसे भाई हम लोग हैं, आप लोग ही वैसे ही हमारा चैनल बढ़ा है आगे, ठीक है, एंड आप लोग ही वैसे ही वजह से ही हम लोग और मेहनत करते रहेंगे, और भाई मीटअप बहुत ज़्यादा अच्छा था ऑनेस्टली, काफ़ी सारी बातें करी, करीबन 1.25 घंटा है ना आराम से खड़े रहे, और एक भाई ने मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी, किसी ने लेटर दिया था, चॉकलेट भी दी थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त सा मीटअप था, मज़े आ गए, तो हाँ थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग अप, और जो जो लोग नहीं आ पाए भाई उन लोगों के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गलत डे पे शेड्यूल किया था भाई, मेरे को पता है भाई अगर मैं वीकेंड पे करता सैटरडे संडे को तब लोगों की शिफ्ट होती है, वीकडे पे तो मोस्टली शिफ्ट होती हैं, बट मैं एडलेड में सिर्फ फ्राइडे तक मतलब तीन चार दिन के लिए हम लोग आए थे, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, फिर से हम लोग आएंगे ज़रूर, कभी प्लान बना दो, किसी ने स्पॉन्सर कर दिया कोई ट्रिप तो जरूर आएंगे, ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नीचे लगी तरह लाइक कर देना, गुजारे सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो लव फॉर मेलबर्न बॉयफ्रेंड, पीस।